आज के युग में गरीब होना भी किसी बोझ से कम नहीं है। ऐसे लोगों की ना सरकार सुनती है और ना ही अधिकारी। बहुत से लोग गरीबों की जायदाद तक हड़प जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गरीब लोग ज्यादा से ज्यादा उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। ऐसा ही कुछ गांव मांडीखेड़ा में हुआ, जहां पर साल 2011 में हुड्डा सरकार ने करीब 150 गरीब परिवारों को बीपीएल प्लाटें दी थी, जिनकी रजिस्ट्री भी उनके नाम कराई गई, लेकिन गरीबी के चलते वो लोग अपनी प्लाटों पर कब्जा नहीं जमा सके, जिसका नाजायज फायदा उठाकर गांव के ही कुछ लोगों ने उन्हें तहसीलदार, पटवारी, नंबरदार आदि से सांठगांठ करके फर्जी गवाह तैयार करके गरीबों के प्लाटों को साल 2019 में फर्जी तरीके से अपने नाम रजिस्ट्री करा ली। किसी को इस मामले की भनक तक नहीं लगी। फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने वाले लोग धीरे धीरे गरीबों के प्लाटों पर झुग्गी झोंपड़ी डालकर कब्जा जमाने लगे। जब गरीब परिवारों को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने इस पर ऐतराज किया, जिसके बाद इस सारे मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में मांडीखेड़ा हरनोल के पास मौजूद गरीबों के प्लाटों पर दो पक्ष आमने सामने भी हो गए। झगड़ा होने से चंद मिनट पहले ही लोगों ने खामोशी से 112 नंबर पुलिस को इसकी सूचना दे दी। झगड़ा शुरू होने से पहले ही मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद मामला शांत हुआ। फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने वाले कौन लोग हैं और कब रजिस्ट्री कराई गई है, इसके लिए सुनवाते हैं आपको सीधा पीड़ित परिवारों की जबानी। जी ये देखो जी, ये रजिस्ट्रियां दे रखी हैं। उसी दिन से हमारे संग राजनीति हो रही है जबरदस्त। हमारे साथ में कभी कोर्ट में केस डाल देते हैं, उसमें आबादी दे लिखा हुआ है, आबादी दे के ऊपर राजनीति चल रही है बहुत जबरदस्त, और हमको वहाँ बनाने नहीं दे रहे। कभी सीटें ले लेते हैं, कभी कुछ ले लेते हैं, और कभी कुछ करते हैं, और अब तो उस पर अवैध कब्जा होने लग गया जी जबरदस्त। वहाँ पे मीट फैक्ट्री बन गई, उसकी ज़मीन की कीमत हो गई जी। अब हमारे संग जास्ती हो रही है जी। वहाँ कुछ लोग दबंग लोग वहाँ बसी गांव के हैं जी, जलालपुर गांव के, बाहर गांव के जी, सब वहाँ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं जी, और हमको उसको देने नहीं दे रहे जी। और एक हमारा गांव का, उसने फर्जी रजिस्ट्री 2019 में तहसीलदार से मिलके फर्जी करा दी, और उसके खिलाफ कोई कानून कार्रवाई गांव ने उठा नहीं। हाँ, गांव का बहादुर है जी वो, उसका लड़का वो, हाँ तस्लीम और वसीम, ये सारे हैं जी। हमारे गाँव का है जी वो कहता है जी हमारी जमीन है ये, तो उसने फर्जी 2019 में रजिस्ट्री करा लीजिए। अब हम है जी गरीब आदमी, और सरपंच ये कहता है कि जी मैंने कोई साइन नहीं करे, उसने फर्जी साइन कर रखे। 150 आदमी जमीन है जी, और हमको 150 आदमियों को कोई बनाने नहीं दे रहा जी, सबको नहीं बनाने दे। हम जा रहे हैं तो कह रहे हैं तो तुम्हारे पांव में काट देंगे, तुमको जान से मार देंगे जी। हमने एप्लीकेशन दिए जी, अब ये उपायुक्त के लिए लिखी है जी, ये उपायुक्त के लिए लिखी है जी, और ये हमारे BDPO के लिए दे दिए जी हमने, और हमारे SHO महोदय के लिए दे दिए जी, और ये थाना ये SDM साहब के लिए लिख रखी है जी, दो जी के हमने दे दिए जी कल। और पुलिस वहाँ पे 112 नंबर पे आई है जी। 112 नंबर पे आने के बाद में उन्होंने कुछ बांस हटवा दिए, फिर वो चली गई है जी। दो गाड़ी और आई है, वो कह के चली गई। इस तरीका से कार्रवाई कुछ और नहीं रही है, इस तरीका से गुमराह करा जा रहा है जी BPL वालों। जब भी हमको भगा देते हैं, और हम गरीब आदमी हम कहाँ जाएं, और सरपंच है और ये बहादुर है, ये बनानी नहीं देते वहाँ जगह। ये 2011 में प्लाट मिली है, ये आपके नाम पर रजिस्ट्री हो रखी थी। हाँ जी, ये रजिस्ट्री हमारे पास तो हुई पड़ी है हमारी। कैसे रजिस्ट्री करवाई है? अब हमको क्या पता ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ऊपर से ऊपर फर्जी बनवा रखी हमको। तो अब पता लगी जब ये निकलवाई इन्होंने, जब बड़े बड़े लोग।